हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, क्या दिया है, -2.2 एंड बी 2.8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट में हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी आपका सेगमेंट बन रहा है। और ए और बी की आपकी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले चित्र की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर बनाते ही क्वेश्चन क्या होता है, आधा से ज़्यादा निकल जाता है। तो चलिए, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 7.2, क्वेश्चन नंबर है 9। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको मेंशन करो। ए दिया है, बी दिया है। ए के पॉइंट्स दिए गए हैं आपको -2.2, और बी की बात करें तो, बी की बात करें दोस्तों तो 2.8 दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेगमेंट को। तो यहाँ सपोज कर लो एक पार्ट हो गया, यहाँ समझ कर लो दो पार्ट हो गया, और ये 1, 2, 3, 4 4 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर दिया, लाइन को बांट दिया, कट कर दिया। ठीक है, अब आपको हर एक पॉइंट का, आपको हर एक जो हमने कट किया लाइन, हर एक का आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिना देरी के स्टार्ट करने कैसे होगा, हम इसको मान लेंगे पी, जिसका पॉइंट है एक्स एंड वाई। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट आपको दिया गया है, ये इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे है, दोनों का पॉइंट दिया गया है, तो उसका मिड पॉइंट आप निकालने का फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करिए क्या, मिड पॉइंट निकालना। जैसे ही ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो बी पॉइंट ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे क्या, फॉर पी पॉइंट एक्स एंड वाई देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट के लिए आप यहाँ लिख लीजिए पी एक्स एंड वाई इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, यही तो होता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको x1 y1 से रिप्रेजेंट करिए और इसको x2 y2 से रिप्रेजेंट करिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x1 क्या है, -2, ठीक है, x1 -2 है, और आपका x2 क्या है, +2 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, / 2। y1 की बात करें तो 2 + 8 / 2, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा क्या, 2 में से 2 गया, आपका क्या हो जाएगा, 0। देखिए 2 प्लस में है और 2 माइनस में है, और इसको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 10 / 2, 2 कम 2, 2 + 5 = 10। तो यहाँ से आपका जो ये वाला 0 हो जाएगा, 0 / 2 कोई मतलब नहीं, 0 ही होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो पी एक्स वाई का जो पॉइंट आया, क्या आया, 0.5। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है 0.5। ठीक है, पहला हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, पी का। तो हर एक तरीके से आपको सोचना होगा। देखिए, ये इसका और इसका मिड पॉइंट था, अब इतना क्वेश्चन को आप भूल जाइए इतना, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मालूम है, ए एंड पी। तो ये सपोज कर लीजिए ये क्यू पॉइंट है, तो इसका मान लीजिए क्या है, एक्स एंड वाई है। ठीक है, इसको अब भूल जाइए, ये पी पॉइंट का आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको अब यहाँ पे देखिए, क्यू को मान लीजिए एक्स एंड वाई, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप x1 y1 और इसको x2 y2, तो इस तरीके से ये भी वाला कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, फॉर q x and y then find the midpoint
मिड पॉइंट ऑफ ए एंड पी के बीच, ठीक है, ए एंड पी के बीच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यू एक्स वाई, मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ अप्लाई करिए, मिड पॉइंट का फार्मूला, ठीक है, तो ये क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपान में टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान में टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अभी रहने दीजिए, इसको रखिए पॉइंट, देखिए ये क्या हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। चलिए पुट करिए, एक्स वन क्या है आपका माइनस में टू, एक्स टू क्या है जीरो अपान में टू कामा वाई वन क्या है टू प्लस वाई टू क्या है फाइव अपान में टू। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट निकलेगा, जीरो से जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा सेवन बाई टू। तो ये जो क्यू के पॉइंट्स आपके निकले वो क्या निकले माइनस वन कामा सेवन बाई टू। तो ये वाला सेकेंड वाला आपका आंसर हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब बचा क्या है, दो का हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बचे हैं ये, ठीक है, तो इनको मान लीजिए आर, इनका पॉइंट मान लीजिए एक्स एंड वाई, ठीक है। देखिए अब इधर का भूल जाइए, अब इसको पी और बी के बीच का मिड पॉइंट हमने क्या मान लिया आर है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करिए, किसके किसके बीच, पी एंड बी के बीच में। तो यहाँ पे आप लिखिए फॉर किसके लिए आर एक्स वाई निकालना है, ठीक है, देन फाइंड द मीट पॉइंट ऑफ किसके पी एंड बी के बीच का, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं पी और बी के बीच का मिड पॉइंट क्या है आर है मान लिया, तो इसका मिड पॉइंट हमने निकालना है। तो चलिए इसको एक्स वन वाई वन में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे आर एक्स एंड वाई, फार्मूला सेम रहेगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू अपान में टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान में टू, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए अब इस पे पॉइंट आप रख दीजिए, तो यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप देखते रहिए पी का पॉइंट और बी का पॉइंट, तो एक्स वन क्या है इसमें हमारा जीरो प्लस एक्स टू क्या है टू अपान में टू कामा वाई वन क्या है फाइव और वाई टू क्या है एट अपान में टू। तो यहाँ से आपका आ गया दो अपान में दो, यहाँ पे आ गया आठ पाँच तेरह अपान में टू, तो दो से दो कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा वन कामा थर्टीन अपान में टू। तो आर का भी जो हमारा निकला कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई जो निकला वन कामा थर्टीन अपान में टू निकला। तो हमने सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, इन जो चारों सेगमेंट के हमारे कट हो रहे थे, चारों सेगमेंट के ये तीनों पॉइंट के आपको वैल्यू बतानी थी। तो ये आपका क्यू भी निकल गया, पी का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, आर का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। तो बारी बारी से हमने सबका ऐसे मिड पॉइंट से निकाला। सबसे बड़ा ट्रिक यहाँ पे है दोस्तों, ए बी और मिडिल वाला पॉइंट हमने क्या मान लिया इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के इसका पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इनके ए एंड पी के बीच मिड पॉइंट क्या है क्यू, ठीक है, इसी तरीके के क्यू निकाल लिया, और पी और बी के बीच में क्या है आर, तो हमने फिर क्या निकाल लिया आर निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। तो आसानी के साथ आप भी निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है ये दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, जब हम मिड पॉइंट निकाल लेते थे तो यहाँ पे हम मान लेते थे पी होता था, तो ये एक्स वाई के फॉर्म में हम निकाल लेंगे यहाँ रख के, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे जीरो कामा फाइव माइनस वन कामा सेवन बाई टू, और आपके जो इधर वाले पार्ट में हैं वो आएंगे आपके वन कामा थर्टीन बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन, जो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे टेन, देखेंगे, चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस If it is the vertices R3, 0, 4, 5, -1, 4 and
माइनस टू कामा माइनस वन टेकन इन द ऑर्डर, और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला आपको दे दिया गया है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का हाफ होता है एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे चित्र की, इसका फिगर, तो एक रोम्बस बना लीजिए, ठीक है, ये हमने बना लिया रोम्बस, और ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट ऑर्डर वाइज लिख लिया। अब इनके जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन करिए, 3, 0, 4, 5 और -1, 4, और डी पॉइंट की बात करें तो -2, -1। अब यहाँ डायगोनल का आपका क्या है, प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले इसका डायगोनल खींचिए, ये हमने क्या किया, डायगोनल खींच लिया। अब ये डायगोनल का प्रोडक्ट, तो डायगोन जो डिस्टेंस है ए सी और बी डी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए सी जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, दो पॉइंट दिया गया है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, बी डी दिया गया, इनके कोऑर्डिनेट दिया गया, इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड आउट करिए, तो डायगोनल का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो आपको फार्मूले में रख दीजिए रोम्बस ऑफ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ डायगोनल का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिए, ए सी क्या है, यहाँ पे डायगोनल जो आपका है, द डायगोनल डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रोम्बस का स्पेलिंग देखेंगे, आर एच ओ एम बी यू एस, रोम्बस, द डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या है, ए सी एंड क्या है, बी डी, जो आप यहाँ पे हमने फिगर में दर्शाया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ किसका, ए सी, तो क्या फार्मूला होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। चलिए इसको मानिए एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू, तो ए सी यहाँ से आपका निकलेगा, पॉइंट पुट करिए, एक्स वन क्या है 3, माइनस एक्स टू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, वाई वन क्या है 0 का, यहाँ पे माइनस माइनस होता है और कामा यहाँ पे 4 है वाई टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 + 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर, तो यहाँ आपका आ गया 16 + 16, तो अंडर रूट में 32, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं क्या, 4√2, ठीक है, तो ये आ गया आपका ए सी, ठीक है। इसी तरीके से आप ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसका लेंथ, अब इसी तरीके से बी डी का भी लेंथ आपको फाइंड आउट करना होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं लेंथ ऑफ बी डी, तो यहाँ पे फार्मूला न रख के हम सीधा पॉइंट मेंशन करेंगे, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, सबसे पहले एक्स वन क्या है -2 और यहाँ पे प्लस में 4 का स्क्वायर, वाई वन क्या है हमारा -1 + 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस होता साइन, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन होता है। चलिए यहाँ पे अब जल्दी चक्कर में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समय मिस्टेक कर दे रहा हूँ, तो -2 - 4 क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 - 5 का क्या हो जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट साइड में जाऊँगा, लेंथ ऑफ बी डी अंडर रूट में -6 का होल स्क्वायर था और -6 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 6 × 36 + 6 × 36, तो 36 × 2 क्या हो जाएगा 72, 36 × 36 = 72 हो जाएगा। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख पाएंगे, देखिए इसको अगर हम ब्रेक करें, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 दोनों 4 × 12 × 36, किसको लिख सकते हैं 36 को, देखिए तो यहाँ से 1, 2 निकलेगा, यहाँ से 1, 3 निकलेगा, तो 2√3। इसी तरीके से हम सीधा 72 का देखते हैं, ठीक है, 72 का देखते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8³ = 24, 3 × 72, तो 1, 2 निकलेगा, 1, 3, 3 × 6√2,
टू, तो ये आपके आ जाएंगे क्या, बी डी, बी डी आ जाएगा सिक्स रूट में टू, ठीक है। तो बी डी का भी लेंथ फाइंड आउट हो गया, ए सी का भी लेंथ आप फाइंड आउट कर लिए। अब डायगोनल, ये डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट हो गया। अब आपको दिया है फार्मूला एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का प्रोडक्ट। चलिए रख दीजिए वन बाई टू। पहला एसी क्या था आपका, एसी था आपका फोर, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, फोर रूट में टू, तो फोर रूट में टू मल्टीप्लाई सिक्स रूट में टू। चलिए दो से काट दीजिए, दो दूनी चार, तो दो मल्टीप्लाई बाय सिक्स और यहाँ पे रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, तो रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टू हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा छः दूनी बारह मल्टीप्लाई बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा आपका बारह दूना चौबीस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये आपका स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान था, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना था, ए सी, ए सी लेंथ फाइंड आउट करना था डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से हमसे ए सी निकाला, फिर फिर बी डी डायगोनल का डिस्टेंस निकाला, उसके बाद यहाँ ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही फार्मूला लिख दिया था, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो यहाँ से आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लिए, यहाँ डायगोनल के जो प्रोडक्ट थे यहाँ रख दिए, और यहाँ से सॉल्व करके 24 इसका स्क्वायर यूनिट इसका क्या आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है 7.2, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम देखेंगे 7.3, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करती है आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं नए क्वेश्चन नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।